नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन ओप्पो A74 एंड रियलमी 8 प्रो। अब इन दोनों फ़ोन के बीच में स्पीड टेस्ट करने का रीज़न यहाँ पे ये है कि जो दोनों ही फ़ोन की प्राइस वो एकदम ही सिमिलर है। दोनों ही फ़ोन आपको 18,000 में मिलते हैं, 6128 वेरियंट मिलता है। प्रोसेसर के बारे में अगर बात करी जाए तो ओप्पो A74 में आपको दिया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 480 जो कि एक 5G प्रोसेसर है। एंड ये 400 सीरीज़ का भले ही प्रोसेसर यहाँ पे बताया गया हो बट 675 या फिर 678 से भी ये बेहतर प्रोसेसर है एंड ऑलमोस्ट आप इक्वल बोल सकते हैं 720G के साथ। तो यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोसेसर दोनों में ही काफ़ी हद तक सिमिलर है बट ये एक 5G प्रोसेसर, ये एक 4G प्रोसेसर है, तो वैसे यहाँ पे डिफरेंस तो ज़रूर देखने में आता है। तो स्पीड टेस्ट को हम यहाँ पे 4 राउंड में करेंगे। पहले राउंड में चेक करेंगे ऐप ओपनिंग स्पीड, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में ऐप्स को ओपन करेंगे एंड चेक करेंगे रैम मैनेजमेंट, तीसरे राउंड में करेंगे इंटरनेट स्पीड टेस्ट एंड लास्ट में करेंगे वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले दोनों ही फ़ोन को हम यहाँ पर रिबूट कर देते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पर रिबूट स्पीड कौन से फ़ोन में बेहतर है। वैसे दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड 11 के ऊपर चलते हैं एंड दोनों ही फ़ोन यहाँ पर कलर ओएस पे ही चलते हैं। भले ही नाम यहाँ पे Realme UI दिया गया हो बट वो बेस्ड है कलर OS पे ही, तो UI दोनों में ही आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। तो रिबूट स्पीड की बात करी जाए तो हमें Realme में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिली है, जल्दी रिबूट हो गया था। तो टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों ही फ़ोन को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, एयरप्लेन मोड में कर रखा है दोनों ही फ़ोन को। ब्राइटनेस को भी हमने सिमिलर सेट कर दिया है एंड दोनों ही फ़ोन यहाँ पे 6GB रैम वेरियंट है मेरे पास एंड मेमोरी में यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं है दोनों में से किसी भी फ़ोन में। तो चलिए अभी हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो यूट्यूब यहाँ पे रियलमी ने जल्दी ओपन कर दिया है एंड उसके बाद ओप्पो ने ओपन किया है, उसके बाद अमेज़ॉन ओपन करते हैं। तो अमेज़ॉन यहाँ पे ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया है, उसके बाद रियलमी ने ओपन किया है एंड लोडिंग भी ओप्पो में तेज़ हो रहा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। तो फ्लिपकार्ट अगेन ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया है, उसके बाद रियलमी ने ओपन किया है। मिंत्रा ओपन करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बीच में आ गया तो पता नहीं चला है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मिंत्रा ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिले आपको मिल रहा है टच में, आप देख सकते हैं एंड ओपन होने में भी काफ़ी टाइम लग गया है रियलमी में जबकि ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया था। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं, तो अगेन ओप्पो ने जल्दी ओपन एंड लोड कर दिया है, तो कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है अभी तक तो ये टेस्ट। उसके बाद गूगल मैप्स ओपन करते हैं, तो मैप्स अगेन यहाँ पे ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया है। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे, तो अगेन ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया है, तो सरप्राइजिंग है यहाँ पे काफ़ी। चलिए अभी कुछ गेम्स ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन करता है। तो सोनिक बूम 2 ओपन करते हैं एंड तो अगेन यहाँ पे भी ओप्पो ने ओपन कर दिया है। उसके बाद सबवे सर्फ ओपन कर लेते हैं, तो कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है अभी तक तो टेस्ट यहाँ पे, क्योंकि ओप्पो काफ़ी सारे टास्क को जल्दी ओपन कर रहा है, यहाँ पे भी जल्दी ओपन कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये भले ही नाम 400 सीरीज़ का हो बट प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है। उसके बाद टेम्पल रन 2 ओपन करते हैं एंड अभी तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन ने सेम टाइम पे ओपन किया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसे करते हैं क्लोज, मारियो रन ओपन कर लेते हैं। तो अगेन ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया है। चलिए कुछ बेसिक से टास्क ओपन करते हैं जैसे कि गैलरी, तो अगेन यहाँ पे ओप्पो ने जल्दी ओपन किया है। उसके बाद कैलकुलेटर, अगेन ओप्पो, कैमरा, अगेन ओप्पो एंड सेटिंग्स, अगेन ओप्पो।
तो दोस्तों पहले राउंड के बारे में बात करी जाए तो काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है यहाँ पे, एंड बहुत ज़्यादा टास्क को यहाँ पे ओप्पो ने जल्दी ओपन कर दिया था, जबकि 8 प्रो सभी टास्क में ऑलमोस्ट पीछे रह गया था। एक आध दो ही ऐसे टास्क थे जिसको 8 प्रो ने जल्दी ओपन किया था। तो ये तो पूरा अनएक्सपेक्टेड हो गया है पहला राउंड, एंड यहाँ पे 480 ने बेहतर परफॉर्म किया है 720 से। तो चलिए अभी रिवर्स ऑर्डर में ऐप्स को ओपन करते हैं, लेट्स सी रैम मैनेजमेंट कहाँ पे बेहतर है। तो रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे भी अगेन ओप्पो A74 ने बेहतर परफॉर्म किया है। 3 टास्क को ज़्यादा मेमोरी में रखा था जबकि यहाँ पे उतने टास्क मेमोरी में नहीं थे। तो पहले दोनों राउंड में A74 विनर निकल के आता है, एंड ये तो मैंने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं करा था। चलिए इन सभी टास्क को करते हैं क्लोज एंड कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट। लेट्स सी वहाँ पे कौन सा फ़ोन बेहतर परफॉर्म करता है, वहाँ पे भी ओप्पो आगे निकलता है या फिर वहाँ पे रियलमी आगे निकलता है, चलिए देख लेते हैं। तो इंटरनेट स्पीड के राउंड में यहाँ पे दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस एकदम ही सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसे भी कर देते हैं क्लोज। चलिए लास्ट में अभी कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के बीच में परफॉर्मेंस टेस्ट, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करेंगे, एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन सा फ़ोन बेहतर परफॉर्म कर पाता है। तो दोनों ही फ़ोन में मैंने सेम प्रोजेक्ट को लिया हुआ है, एक साथ ही हम प्रोड्यूस करेंगे, एंड दोनों में ही हम 720p पे ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड फ़ोन को मैं घुमा देता हूँ सो दैट आपको बेहतर एंगल मिल पाए, ठीक है। तो 720p पे सेट कर दिया है, एंड एक साथ ही प्रोड्यूस करेंगे, सो 3, 2, 1 गो। तो वीडियो रेंडरिंग टेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5% ही आगे था Realme 8 Pro एंड ये 5% पीछे था। तो यहाँ पे भी अगेन मेजर डिफरेंस नहीं है, तो ये राउंड में वैसे तो Realme 8 Pro विनर है। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगे हैं। जो पहले दोनों राउंड थे वहाँ पे A74 ने बेटर परफॉर्म किया था, तीसरे राउंड में दोनों ही फ़ोन ने सेम परफॉर्म किया था, एंड लास्ट राउंड में ऑफकोर्स 8 प्रो ने बेहतर परफॉर्म किया था, बट इतना मेजर डिफरेंस वहाँ पे भी नहीं था। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे यही था कि जो 8 प्रो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा, बट यहाँ पे इतना मेजर डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में। हाँ, दूसरी चीज़ें आपको डेफिनेटली 8 प्रो में बेहतर मिलती है, जैसे कि डिस्प्ले वहाँ पे बेहतर है, कैमरास वहाँ पे बेहतर है। तो अगर वो सारी चीज़ें आप कंसीडर करते हैं तो 8 प्रो डेफिनेटली बेहतर है। ये एक ऑफलाइन सेंट्रिक है, ये एक ऑनलाइन सेंट्रिक डिवाइस है। तो जब आप ऑनलाइन सेंट्रिक डिवाइस लेंगे तो वहाँ पे आपको बेहतर फीचर्स तो डेफिनेटली मिलते हैं। तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।